अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम है रेहान और गाइज फाइनली ओप्पो की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई ओप्पो कंपनी बहुत ही जल्द ओप्पो रेनो 6 4G को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाली है। अब ये जो स्मार्टफोन है वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में इसी मंथ के मिड में देखने को मिल जाएगा या फिर इसी मंथ के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइज मैंने ओप्पो रेनो 6 5G के ऊपर ऑलरेडी वीडियो की हुई है, अगर आप लोग मुझे किसी और कंट्री से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि और कंट्री में ओप्पो रेनो सीरीज जो है वो आपको 5G के साथ देखने को मिलेगी, सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में आपको ये स्मार्टफोन जो है वो 4G के साथ देखने को मिलेगा और इंडियन मार्केट में भी ये स्मार्टफोन 5G के साथ आया है। अगर आप लोग किसी और कंट्री से वॉच कर रहे हैं, आप लोग ओप्पो रेनो 6 5G को परचेज करने का सोच रहे हैं, तो आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग ओप्पो रेनो 6 5G को परचेज करने का सोच रहे हैं तो। वैसे गाइस अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं और ओप्पो रेनो 6 4G का पाकिस्तान में वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा ओप्पो रेनो 6 4G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, प्राइस के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं स्मार्टफोन के रिलेटेड। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और हां गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन गाइस अगर आप लोग चैनल पे पहली दफा आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ऑल करो ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस बात को स्टार्ट करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, तो यहां पर आपको 6.4 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले दिया जाएगा, 1080p की रेजोल्यूशन होगी और साथ ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा 750 निट्स पीक ब्राइटनेस रेट भी दिया जाएगा, 411 की PPI डेंसिटी होगी और 200 स्मार्टफोन के डिस्प्ले के लेफ्ट कॉर्नर के टॉप के ऊपर पंच होल दिया जाएगा और पंच होल के अंदर 44 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई वीवो की वी सीरीज के और की रेनो सीरीज के जो कैमरे होते हैं वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो यहां पर आपको 44 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि स्मार्टफोन का जो कैमरा होने वाला है फ्रंट कैमरा होने वाला है सीरियसली आउटस्टैंडिंग। बाकी स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन के हवाले से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 100% चांसेस यही है कि भाई स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी जाएगी। बैक डिजाइन के हवाले से बात करूं तो स्मार्टफोन की बैक ग्लास की होगी जो कि एल्यूमिनियम फ्रेम से बनी हुई है और दिखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है और पर्सनली स्मार्टफोन का डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। यहां पर आपको मोस्टली वैसा ही डिजाइन प्रोवाइड किया जाएगा जैसा कि आपको ओप्पो रेनो 5 में प्रोवाइड किया गया था, यानी कि उसी तरह का शाइनी डिजाइन प्रोवाइड किया जाता है जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारा है। वैसे स्मार्टफोन में और भी कलर आते हैं लाइक ब्लैक कलर आता है वो भी दिखने में काफी ज्यादा प्यारा है, लेकिन शाइनी कलर जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। खैर इसके अलावा स्मार्टफोन की बैक पर क्वाड कैमरास का सेटअप दिया जाएगा जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, 4th 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया जाएगा और इसी के साथ इस स्मार्टफोन की बैक पर डुअल LED फ्लैशलाइट भी देखने को मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ ही आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और गाइस ओप्पो कंपनी का कहना यह है कि आप लोग इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे की मदद से इजीली 4K की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो एक काफी अच्छी बात है। और दूसरी चीज, आप लोग 1080p में 30 fps पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यह भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। खैर इसके अलावा इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 दिया जाएगा, कलरओएस 11.1 दिया जाएगा जो कि ओप्पो की तरफ से आने वाला एक मोस्ट लेटेस्ट कस्टम UI है। चिपसेट की बात करूं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वही चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको Vivo V20 में प्रोवाइड किया गया है, जो मेरे पास स्मार्टफोन मौजूद है इसके अंदर भी सेम चिपसेट वही है। जी हां गाइस मैं बात कर रहा हूं Qualcomm Snapdragon 720G की। वैसे यही चिपसेट हमें Poco X3 में भी देखने को मिलता है जो कि 40,000 की प्राइस में है। खैर यह चिपसेट 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा तगड़ा है। अगर ओप्पो कंपनी वाले ओप्पो रेनो 6 के अंदर चिपसेट को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते तो यार मजा ही आ जाता, लाइक 730G कर देते या फिर 732G कर देते, इन दोनों में से कोई लगा देते तो ज्यादा मजा आ जाता, क्योंकि 720G अब बहुत सारे स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल चुका है। वैसे अगर मैं चिपसेट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस चिपसेट की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी है। आप लोग PUBG को HD मोड में इजीली प्ले कर सकते हैं।
वैसे गाइस आप लोग सिर्फ इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए नहीं, पबजी के लिए नहीं, बल्कि कैमरे के लिए और डिस्प्ले के लिए भी डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। यकीनन आप लोगों को इस स्मार्टफोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। खैर इसी के साथ इस स्मार्टफोन में एड्रीनो 618 का जीपीयू दिया जाएगा, यानी कि स्मार्टफोन के जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे, बिकॉज इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि स्मार्टफोन के जो ग्राफिक्स होने वाले हैं वो काफी ज्यादा तगड़े होने वाले हैं, डार्क ग्राफिक देखने को मिलेंगे, कलर्स जो होंगे वो स्मार्टफोन के काफी ज्यादा अच्छे होंगे, यानी कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले के जो कलर्स होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे। खैर रैम वेरिएंट की बात करूं तो स्मार्टफोन का पाकिस्तानी मार्केट में एक ही वेरिएंट लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें आपको 8GB रैम और 128GB की रोम दी जाएगी। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी होगा, लेकिन यहां पर कंफर्मेशन नहीं है कि भाई डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट होगा या फिर नहीं, लेकिन डुअल सिम का स्लॉट होगा। और गाइस लास्ट में बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको यूएसबी टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, 4310mAh की बड़ी बैटरी होगी, जिसके साथ आपको 50W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि विद इन 40 to 45 मिनट आपको जो मोबाइल की बैटरी है वो 0 to 100 फुल हो जाएगी। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नो डाउट ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। वैसे आप में से कौन कौन इस स्मार्टफोन का पाकिस्तान में वेट कर रहा है, लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। और क्या आप लोग स्मार्टफोन को परचेज करोगे या फिर नहीं, ये भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। खैर प्राइस की बात करते हैं तो स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्टेड प्राइस कुछ 55 से 60 हज़ार के राउंड अबाउट रखी जाएगी। अगर ये स्मार्टफोन 55 से 60 हज़ार की रेंज में आ जाता है तो मेरे ख्याल में भाई वैल्यू फॉर मनी होगा, लेकिन यार चिपसेट जो है वो थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए था, तब ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी होता। मेरे ख्याल में स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस मैक्सिमम 55 हज़ार होनी चाहिए, इससे ऊपर स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में, इस 60 हज़ार की रेंज में हमें वीवो का V21 भी देखने को मिल जाता है, उसके अंदर पता नहीं कौन सा चिपसेट लगाया है, लेकिन काफ़ी ज़रा तगड़ा चिपसेट देखने को मिल जाता है। उसके अंदर मेरे ख्याल 800U वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तो डेफिनेटली आप लोग उस स्मार्टफोन को भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ओप्पो के लवर हैं तो फिर आप लोग डेफिनेटली स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़रा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।